क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाने वाले बलबीर के साथ क्या हुआ था? असल में यारों ये शख्स वो है जिसने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर पहला हथौड़ा चलाया था। बलबीर सिंह ने खुद बताया था कि जब ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद पानीपत आए थे तो वहां पर इनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया था। लेकिन यारों इनके घर का सीन थोड़ा अलग था। दरअसल इनके फादर ने इन्हें उसी दिन घर से बाहर कर दिया। ये ऐसा टाइम था जब भारत के कई इलाकों में दंगे भड़क रहे थे, तो इसीलिए बलबीर भी अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन बलबीर को जोर का झटका उस वक्त लगा जब उसे पता चला कि उसके साथ मस्जिद तोड़ने गया योगेंद्र अब मुसलमान हो चुका है। वेल, उसके बाद तकरीबन 6 महीनों के बाद बलबीर सिंह सोनीपत मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गया, जिन्होंने योगेंद्र को इस्लाम कबूल करवाया था। बलबीर ने मौलाना से कहा कि मस्जिद गिराने में उसका भी हाथ था, लेकिन अब वो इस्लाम कबूल करके 100 मस्जिदें बनवाएगा। जिसके बाद बलबीर का नाम मोहम्मद आमिर हो गया और 91 मस्जिद रिपेयर या बनवाने के बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।